अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्यों मेरे किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसका ये मेरी अपनी डेवलप की हुई रेसिपी है और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारे लोगों में ट्राई हो चुकी है। इसका मैंने नाम रखा है इम्यून पाउडर। ठीक है, ये प्री मिक्स मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ और इसको आप अच्छे से एक दफ़ा बना के अपने फ्रिज या फ्रीज़र में सेव करेंगे और उसके बाद बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होंगी कि जिसमें मैं ये प्री मिक्स जो है वो पाउडर वो डाल रही होंगी, तो मैं हमेशा आपको उसमें वीडियो का लिंक दूंगी कि आप कहाँ जाके इस प्री मिक्स पाउडर को तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छा ये प्री मिक्स पाउडर जो है ये मैं दो तरीके से तैयार करूंगी। एक मैं बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर में तैयार करूंगी और बड़ों के लिए मैं इसको इलायची फ्लेवर में कार्डमन में तैयार करूँगी। आप इसकी जगह कार्डमन यूज़ ना करना चाहते हो तो आप इसकी जगह सिनेमन ले सकते हैं, दालचीनी का पाउडर, दालचीनी का जो फ्लेवर पसंद करते हैं वो दालचीनी फ्लेवर के साथ इसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने कोशिश करके वो चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी और हमारी विल पावर को बढ़ाती हैं, हमारा फिज़िक्स जो होता है, हमारी फिज़िकल जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने जब भी कोई रेसिपी डेवलप कर रही होती हूँ उसमें मैं इन इन्ग्रीडियंट्स का ख्याल रखती हूँ कि जो भी इन्ग्रीडियंट्स मैं इसमें शामिल करूँ वो हेल्दी हों और वो आपकी बहुत सारी चीज़ों पे एक ही दफ़ा में एक ही चीज़ इस्तेमाल करके बहुत सारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी की जो हमारी नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की हो गई या हमारी बॉडी की हेल्थ के हिसाब से हो गई, उसमें आपको वो काम करें और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। चूँकि आजकल माओं के पास टाइम होता नहीं है और वो जो है चाहती हैं कि कोई हमें कोई चीज़ मिले, तो ये समझ लीजिए आप जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बाज़ार में मिल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जितने भी इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स जो प्रीमिक्स पाउडर होते हैं या फिर लिक्विड में हमें की शक्ल में हमें मिल रहे होते हैं बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, उनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो हरगिज़ नहीं होते, ये आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इनके ये जो आप चीज़ अपने हाथ से बना के रखेंगे इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है यानी कि फ्रिज लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ तो इतनी ज़्यादा कराची में नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन ये कि वन वीक तक आप इसको बाहर रख सकते हैं। लेकिन आजकल चूँकि मौसम ज़रा बरसात का है और ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो बारिशें भी काफ़ी हो रही हैं, तो इस मौसम में तो ये बाहर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तो आप इसको फ्रिज में रखिए। फ्रिज लाइफ इसकी जो है वो 3 महीने तक आराम से होती है और इससे पहले ही ये यूज़ होके ख़त्म हो जाता है। डेली बेसिस पे अपने बच्चों को इस्तेमाल कराइए, इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए कि ये गर्म है या गर्म हो जाएगा या गर्मी हो जाएगी बच्चों को। मैं सारा तरीक़ाकार आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से आपने इसको गर्मी में प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आपने इसको सर्दी में प्रिपेयर करना है। ये 12 महीने का तैयार करने वाला पाउडर होता है जो आप अपने पास प्रीमिक्स तैयार रखें और इससे मुख्तलिफ चीज़ों में आप इस्तेमाल करिए। इसको मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इसके साथ बनाना भी सिखाऊंगी। पहले हम आ जाते हैं अपने प्रीमिक्स पाउडर की तरफ, जो हमारा इम्यून पाउडर बनेगा ये किस तरीके से बनेगा। इसमें देखिए सबसे पहले जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सारे मेन हैं इसके, लेकिन इसको मैं आपको बता दूं कि आपको जो मिश्री नज़र आ रही है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। डायबिटिक लोग अगर हैं तो वो शक्कर के साथ कर सकते हैं, ठीक है, गुड़ के साथ कर सकते हैं। मैंने मिश्री यूज़ की है, अक्सर आप मेरी रेसिपीज़ में देखते हैं कि मैं शुगर चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ क्योंकि वो रिफाइंड होती है और बहुत सारे केमिकल्स और ब्लीच के साथ बनकर हमारे पास आ रही होती है। तो जितना हो सकता है हम अपनी बॉडी को और अपने बच्चों की बॉडी को और अपने जाने वालों की बॉडी को इन चीज़ों से बचाएं जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, ठीक है। अक्सर मैं बता रही होती हूँ कि रिफाइंड सॉल्ट को आप रॉक सॉल्ट के साथ या पिंक सॉल्ट के साथ रिप्लेस कीजिए, ऑयल को रिप्लेस कीजिए सरसों के तेल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ। एशियन कंट्री है तो सरसों का तेल हमारे यहाँ सबसे बेस्ट होता है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतने महंगे ऑलिव ऑयल की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके से ज़्यादा बेहतर हमारे पास सरसों का तेल मौजूद है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैं हमेशा बताती हूँ कि खसखस जो होती है पॉपी सीड्स, इनको मैं साफ़ करके धो के शमशोज करके अच्छे से पानी निथार के ड्राई करके और रोस्ट करके रखती हूँ अपने पास, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ों में खसखस इस्तेमाल हो रही होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं डियर क्लाइंट्स मेरे, जितने भी डियर व्यूवर्स हैं, इतनी हिडन इनके अंदर जो है वो ताकत मौजूद होती है कि अगर आप में एक एक के ऊपर भी कई वीडियोस बनाऊं तो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वॉलनट्स हैं मेरे पास, सिंपल वॉलनट्स, अखरोट की गिरी नॉर्मली मिलती है। बादाम, ये देसी बादाम है, देसी अखरोट की गिरी है। देसी का लफ्ज़ सुन के आप लोग परेशान ना हुआ करें, जब परचेजिंग करने जाएं आप कहीं से भी तो जो अच्छे किरियाना स्टोर्स हैं उनके पास आप जाएँ और बोलें कि हमें देसी बादाम चाहिए। अमेरिकन बादाम होते हैं, एक देसी होते हैं, देसी साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, ये देखिए इस तरीके से इनमें कड़वे बादाम भी निकलते हैं, ठीक है, उनको आप चक के अलग कर सकते हैं। ये सारे अलग हुए हैं, ये साफ़ सुथरे मीठे बादाम हैं।
देसी जो कड़वे बादाम होते हैं उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें रेमेडीज़ बन रही होती हैं, वो फिर कभी शेयर करूँगी। तो देसी दाने का मकसद ये है कि जितनी देसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा भी देसी टच का होगा। आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा खा पी के चीज़ों को इस्तेमाल करके आप कितनी जल्दी क्योर हो रहे हैं, कितनी जल्दी एनर्जेटिक हो रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा ये पिस्ते हैं, ये भी देसी हैं, ये मेरे पास है 1 कप। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितनी चाहे आप बनाइए, जितना चाहे आप बना के रख लीजिए, जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आप बताइए। मैं आपको बता रही हूँ ये 1 कप है, ये भी 1 कप है, अखरोट भी, बादाम भी 1 कप है, पिस्ता मेरे पास 1/2 कप है। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये है कोको पाउडर, ठीक है, बच्चों के लिए जो है मैं वो यूज़ करूँगी, वो चॉकलेटी फ्लेवर पसंद करते हैं और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद करते, तो हम उनको चॉकलेट फ्लेवर के अंदर ये चीज़ें बना के देंगे ताकि वो यूज़ कर सके आराम से। ये पॉपी सीड्स हो गए मेरे पास, मैंने आपको बताया साफ़ सुथरा हुआ हुआ, ये है 1 कप, ठीक है। अच्छा ये है चाकू मगज, और इसमें सफ़ेद तेल भी मैंने शामिल किए छोटे वाले जो सेसमी सीड्स कहलाते हैं, तो ये 5 मगज बन गए, ठीक है। ये है मेरे पास काजू 1/2 कप, ये मेरे पास 1 कप है तेल, 1/2 कप ये है। अच्छा एक 1 कप मेरे पास है ये मखाना, ठीक है, सफ़ेद मखाने जो मिल रहे होते हैं आप किसी भी किराना स्टोर पे बोलेंगे मखाने दे दें, वो आपको दे देंगे, 1 कप इसमें हम शामिल करेंगे। सौंफ मैंने ली है एज़ अ फ्लेवर और एज अ हेल्दी इंग्रेडिएंट भी, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी देती है हमारे इस पाउडर को, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा आई साइड के लिए बादाम, मिश्री और सौंफ जब मिलती है तो एक अच्छा पाउडर बनता है जो आई साइड के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो इसमें आपको अलग से कोई चीज़ भी शामिल नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगी। इलायची मैंने ली है, जैसे कि मैंने बताया कि 2 फ्लेवर दूंगी, बच्चों के लिए मैं कोको फ्लेवर दूंगी चॉकलेटी, और बड़ों के लिए मैं इलायची फ़्लेवर दूंगी। रिप्लेस कर सकते हैं दालचीनी के साथ अगर आप चाहें, और अगर आप दालचीनी भी यूज़ करना चाहें तो आप उसका भी इसमें इस्तेमाल इजाफा कर सकते हैं अपने पाउडर के अंदर, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाई स्टेप कि इसको किस तरीके से, बहुत ईजी होता है, बच्चे बूढ़े जवान ख़वातीन मर्द बीमार लागिर कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। हाँ अलबत्ता फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको अपने डिपेंड करेगा कि 1 टीस्पून से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आपको हज़म लगेगा कि ये आपको आपकी बॉडी के अंदर हज़म हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है आपको, और आप इसका इस्तेमाल 1 टेबल स्पून तक ले जा सकते हैं। दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को आप 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊँगी। अच्छा व्यूअर्स देखिए, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, और इस तरह से कोई भी स्टील पैन, नॉन स्टिक पैन, कोई भी आप ऐसी चीज़ ले सकते हैं। फ्लेम मैंने कर दिया है स्लो। अच्छा सबसे पहले जो है वो मैं लूँगी खशखश, ठीक है, ये पॉपी सीड्स 1 कप, और इसको जो है वो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा मैं जिन चीज़ों को जिस तरीके से बता रही हूँ आप जब इसी तरीके से इसको करेंगे, कोशिश करके ये मत कीजिएगा कि सारी चीज़ों को एक साथ डालना आपने और एक साथ ड्राई रोस्ट कर लिया। जिस जिस चीज़ का मैं मैच आपको बता रही हूँ कि ड्राई रोस्ट करना है आपने, आपने उसी तरह से उसको करना है। अभी जैसे मैं खशखश को कर रही हूँ, उसकी वजह ये है कि जो लोग खशखश इस्तेमाल करते हैं पॉपी सीड्स, उनको पता है कि ये इतनी आसानी से नहीं पिसती है, ठीक है। इसको पीसने का तरीका कि आप इसको ड्राई रोस्ट कीजिए और इसको किसी एक इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के पीसेंगे हम, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब हम एक साथ पीसेंगे तब भी ये नहीं पीसेगी और ये मोटी मोटी आएगी, कोई मसला नहीं है। अगर जिनको ये कोई इशू नहीं होता इसके साथ, लेकिन बच्चों को आपको पता है कि हर चीज़ के साथ इशूज़ होते हैं, उनको बड़ी डाइल्यूट सी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, तो इस वजह से मैं इसको अलग से जो है वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। जब तक कि बिल्कुल अच्छी ड्राई रोस्ट हो जाएगी, इसमें से अच्छी सी फ्रेगरेंस आने लगती है, जो अरोमा आता है खशखश का वो लोग पता अंदाज़ा हो जाता है कि जो ये हमारी खशखश है ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। बिल्कुल जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, और 1 महीने आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोगों ने कैसा फ़ील किया आया, कि जो इतनी स्ट्रगल मैं आप लोगों के लिए करती हूँ रेसिपीज़ को डेवलप करने के लिए, आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। जो लोग ये नहीं बनाना चाहते उनके लिए खुशखबरी है भी, सही समझ लीजिए कि ये क्यू मील के साथ भी के पास आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको ये प्री पाउडर तैयार मिलता है, ठीक है। आप एक मील से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन आज मैं जो ये रेसिपी आपके साथ सीक्रेट शेयर कर रही हूँ इसीलिए कि आप लोग अपने घर में भी आराम से बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही मंगवाएं या हमसे ही लें। आपको रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप आराम से इसको घर में बनाइए।
अच्छा व्यूवर्स देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है मेरे पास, ठीक है। कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल माइल्ड सा इसका चेंज हुआ है, जिस तरह हम लोग सूजी को भून रहे होते हैं इस तरीके से इसका भी कलर हल्का सा चेंज होता है, क्योंकि खशखश अपने उसमें ही इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा होता है। ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, बस मैं इसको अब जो है वो निकाल लेती हूँ। अच्छा, खशखश मैंने निकाल ली है। अब जो सेकेंड इंग्रेडिएंट हमारे पास है, ये है पाँचों मखस। अब इसको भी मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, यहाँ तक कि इसका अरोमा आने लगे और इसमें से अच्छा सा एक हल्का सा लाइट बिस्किटी से कलर के लिए हो जाए। अच्छा व्यूअर्स देखिए, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इनमें से चटपट की आवाज़ें आ रही हैं, तो इट मीन्स कि ये जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। इनको चीज़ों को रोस्ट करने का एक मकसद और भी होता है कि जो इनके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो इनके अंदर लॉक हो जाते हैं और इनका फ्लेवर तो अच्छा हो ही जाता है। ये भी मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करूँगी रोस्ट मखाने। आपने देखा सबसे पहले मैंने खशखश रोस्ट किए, फिर मैंने जो है वो पांचों मगज रोस्ट किए हैं और मैं मखाने रोस्ट कर रही हूँ और इनके लिए भी मैं वेट करती हूँ। इससे क्या हो जाता है, चीज़ें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं, इसलिए आसान हो जाते हैं, फ्लेवरफुल हो जाते हैं और इनके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो इनके अंदर ही लॉक हो जाते हैं। तो ये रोस्ट करने का ये चीज़ें ये भी एक मकसद होता है। और आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं की चीज़ें, ताकि जो उनकी ताकत है अंदर बरकरार रहे। इनको भी हम रोस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि ये अच्छे क्रिस्पी से हो जाएंगे। अच्छा जी, ये भी रोस्ट हो चुके हैं, देखिए अच्छा सा इनका कलर हल्का सा माइल्ड सा बिल्कुल चेंज हुआ है। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। सब चीज़ों को मैं अलग रोस्ट कर रही हूँ और अलग ही निकालूंगी। जिन चीज़ों को मैं साथ रोस्ट करूंगी आपने भी उनको साथ रोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ले लेते हैं हम सौंफ। सौंफ भी मैंने ये देसी सौंफ ली है और देसी सौंफ का भी वही तरीका कि आप जब बताएंगे कि मुझे देसी चीज़ चाहिए तो आपको देसी मिलेगी, ठीक है। जो लोकल हमारे पास आ रही होती है जिनका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है वो मत यूज़ किया करें, वो कलर की भी होती है और उसको केमिकल लगा होता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी परचेजिंग करें तो अपनी फैमिली के लिए अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स खरीदें, अच्छे से अच्छी चीज़ यूज़ करें। अच्छी चीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि महंगी चीज़ें यूज़ हों, अच्छी चीज़ का ये होता है कि आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस मेरी वीडियोज़ के ज़रिए आपको मिल रही होती है और मैं आपको शेयर कर रही होती हूँ कि क्या चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और क्या चीज़ नहीं है। आप इस सौंफ का कलर देखिए, कितना लाइट सा कलर है इसका, बिल्कुल ग्रीन कलर नहीं है। सौंफ भी मेरे पास अच्छी सी हो चुकी है, ज़्यादा नहीं मुझे ब्राउन करनी है, बहुत अच्छा सा सौंफ का आपको पता है जब भुनती है तो कितनी अच्छी उसकी अरोमा आ रहा होता है। तो ये भी मेरे पास रेडी है, इसको भी मैं अलग कर लेती हूँ। अच्छा, अब जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स साथ जा रहे हैं वो जा रहे हैं हमारे पास बादाम, अखरोट, पिस्ते और ये काजू। अच्छा, इन चीज़ों को एक जैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है ना, तो इस वजह से हमें इतना कोई इशू नहीं है इसको कि ये इनको हम अलग अलग करें, इनको हम ड्राई रोस्ट एक साथ कर सकते हैं। इनको ड्राई करने रोस्ट करने के लिए हमें एक जैसा चाहिए होता है टेम्परेचर, तो इस वजह से हमें इसका कोई इशू नहीं है कि ये कहीं ज़्यादा ना हो जाए या थोड़े कम ना हो जाए। इनको भी रोस्ट करने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे और पिसने में आसान हो जाएंगे हमारा पाउडर बनाने में, और इनकी लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है जब हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। और फ्रिज में रखने का मकसद यही होता है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एक अजीब सी हीक सी आ जाती है जब वो सीज़न के नहीं होते, आउट ऑफ सीज़न होते। सर्दी में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, फ्रेश आ रहे होते, लेकिन इनको फ्रेश रखने का ये भी एक तरीक़ेकार है। आप इस तरह से चीज़ों को अलग अलग ड्राई रोस्ट करें और बॉक्सेस बनाएं और उसमें रख दीजिए, उसके ऊपर लेबल लगा लीजिए कि इसके अंदर क्या चीज़ है, और उसके बाद आप इसको किसी भी इनकी रेसिपी में अपने जब यूज़ कर रहे होंगे तो आपको इतना बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा और उनकी जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं ख़राब होती और वो फ्रेश लुक दे रहे होते हैं। लेकिन अगर बाहर छोड़ देते हैं तो इसमें कीड़ा भी लग जाता है और इसमें एक अजीब सी हीक सी आ जाती है।
बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं करना रोस्ट। मैं इसको निकालती हूँ और आपको बताती हूँ मज़ीद क्या करना है। अच्छा व्यूअर्स देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ड्राई रोस्ट कर दी हैं। अच्छा अब मैं ये सारे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स किए थे इनको एक जगह कर दिया, ठीक है। इसको मैं रखती हूँ यहाँ साइड में। अच्छा अब जो चीज़ें पीसनी है वो हो गई हमारे पास ये मिस्री, ठीक है। अच्छा मिस्री मैं हमेशा कहती हूँ ये जो धागे लटक रहे हैं ये वाली यूज़ किया करें, ये सालिद मिस्री कहलाती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे मैदे के लिए, मसाने के लिए, और हमें जो है वो गर्मी में बहुत ठंडक देती है, ठीक है। अच्छा इसके साथ मैं पीसूँगी ये सौंफ, ठीक है, और ये खशखश, बस क्योंकि ये खशखश को पीसना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये मोटी रह जाती है, ये नहीं पिसती है। कितनी भी अच्छी मशीन हो कुछ भी हो उसके टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, या तो हम इसको चीनी नमक या फिर इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि मिस्री के साथ हम इसको पीसेंगे और सौंफ डाल के, और एक अच्छा सा पाउडर इसका तैयार करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये पीस के तैयार हो गया और इसको मैंने इस तरीके से बारीक छन्नी के साथ अच्छे से छान लिया और ये देखें कितना अच्छा सा एक पाउडर सा तैयार हो गया। एक दो दफ़ा छान लीजिएगा और जो बच जाए फिर उसको दोबारा से पीसती रहिएगा तो आप आसानी से इसका एक इस तरह का पाउडर तैयार कर लेंगे। अच्छा ये पाउडर हो गया रेडी। अब मैं जो है ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने रोस्ट किया है अब मैं इनको पीसूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनको किस तरीके से मज़ीद आगे प्रिपेयर करना। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये ड्राई फ्रूट्स भी सारे पीस के और रेडी हो गए। ये देखिए पाउडर की शक्ल बन गई है। अब मैं इसको भी एक तरफ करती हूँ और अब मेरे पास क्या बचा है, कोको पाउडर को हटा के मखाना और ये पांचों मगज और ये इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैं अलग से पीसूँगी क्योंकि मैं दो फ्लेवर देना चाह रही हूँ, बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर और बड़ों के लिए इलायची फ्लेवर। तो अभी मैं सिर्फ इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को मिला के और पीस के पाउडर बना के और सारी चीज़ें आपके सामने फिर प्रिपेयर करूँगी। अच्छा व्यूअर्स देखिए ये जो मैंने सारे पाउडर बनाए अब एक एक करके मैं इन सबको एक बड़े बॉल के अंदर शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी अच्छे से और एक दफ़ा फिर इनको सबको मिक्स करने के बाद मैं इसको छान लूँगी। हर चीज़ देख रहे हैं आप कितने अच्छे पाउडर की शक्ल में आई है। अगर आप एक साथ सारा सब कुछ करेंगे तो फिर वो इतना अच्छा एक पाउडर नहीं बन पाएगा जैसा कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ और बच्चों के लिए अच्छा सा प्रिपेयर करना चाह रही हूँ कि कोई भी बच्चा खाए पिए इसको तो उनको कुछ भी पता ना चले, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा इन चीज़ों की अहमियत को अभी नहीं समझ पाते। ये माओ का और हमारे बड़ों का काम होता है कि हम उन बच्चों को एक अच्छी सी एनर्जेटिक ड्रिंक बना के दें। अब मैं इसको एक दफ़ा सब मिक्स कर लिया मैंने, अब मज़ीद इसके साथ क्या प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए अब ये पाउडर मेरा प्रिपेयर हो गया जो मैंने आपके सामने स्टेप बाई स्टेप बनाया और इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक कप मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है आप जितनी दिल चाहे क्वान्टिटी यूज़ कीजिए, मैं आपको अभी प्रिपेयर करके सिर्फ बता रही हूँ। वन कप मैंने इसमें ले लिया है और तकरीबन वन कप मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। अब ये मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए और मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये कोको पाउडर। वन कप के अंदर आप तकरीबन दो टेबल स्पून भर के ले सकते हैं और फ्लेवर के हिसाब से, अगर बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चॉकलेटी अम्यून प्रीमिक्स तैयार हो गया हमारे पास चॉकलेटी फ्लेवर में। अब ये फ्लेवर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बच्चों को जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो चॉकलेट का आप उतना ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब इसका बिल्कुल चेंज हो गया, अब बच्चे पियेंगे इनको कुछ पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। अच्छा इलायची मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं चीनी के साथ मिला के पीसती हूँ ताकि वो अच्छे से पिस जाती है, तो मैंने थोड़ी सी मिस्री के साथ इसको इलायची दानों को पीस के और ये मैंने बड़ों के लिए बना दिया ड्रिंक तैयार, क्योंकि बड़ों को इलायची फ्लेवर ज़्यादा पसंद होता है। देखिए एक ही प्रीमिक्स के साथ आपके लिए दो प्रीमिक्स तैयार हो गए हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है इसके भी मैं आपको दो फॉर्मेट बताऊँगी, एक मैं आपको दूध के साथ फॉर्मेट बताऊँगी और एक मैं आपको इसको पानी के साथ बनाना बताऊँगी। जो गर्मी है आजकल कि आप जो थादल पी रहे होते हैं हम उसको किस तरीके से हम जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं और एक आसान तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया समझ लिया होगा उमन यकीन है मुझे। आपने फिर मैं बता दूं कि एक कप के अंदर दो टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर गया है और इसमें हमने तकरीबन
तीन या चार इलायचियाँ इसके अंदर ली हैं कप के अंदर। आप फ्लेवर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो बेसिक चीज़ थी वो मैंने आपको सिखा दी है। इसी चीज़ को लेके मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बच्चों के लिए बनाना, बड़ों के लिए सिखाऊंगी, डेजर्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें। तो आप इस प्रीमिक्स को बना के अपने पास प्रिपेयर रखिए, और जैसे ही मैं कोई रेसिपी बताऊँ उसमें मैं जब बताऊँगी कि प्रीमिक्स अम्यून वाला मैंने आपको इसमें शामिल किया है तो आपको समझ आ जाएगा, और लिंक भी मैं वीडियो में देती रहूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए अब ये मैं आपके सामने प्रिपेयर करके बताती हूँ कि थादल जो है इजीली वो कैसे बनेगा। और हमारा जो ये प्रीमिक्स हमने बनाया, दूध में आपने इसको डाला अच्छे से, और ये देखिए डिसॉल्व हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। और अब मैं ये बच्चों के लिए प्रिपेयर करती हूँ चॉकलेट फ्लेवर। ये किसी भी हॉर्लिक्स, किसी भी बाउनविटा, किसी भी कॉम्प्लेक्सेस जो मिल रहे हैं आजकल प्रीमिक्स पाउडर वगैरह लिक्विड, उन सब से ये हज़ार हा दर्जे करोड़ों दर्जे बेहतर है। ये देखिए अब फ्लेवर आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा और भी टची हैं तो आप जो है इसको छान लीजिए, इसको मिक्स करके और मज़ीद छान लीजिए। लेकिन इससे मैं समझती हूँ ये बहुत मैंने बारीक पाउडर छाना है छन्नी से ताकि पता ना चले। कलर आप इसके साथ और पाउडर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसका और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देना है बच्चों को चॉकलेट का। तो ये देखिए थोड़ा सा आप और इसको तैयार कर सकते हैं। दोनों फ्लेवर आपके सामने तैयार है, इलायची फ्लेवर भी और कोकोनट फ्लेवर, कोको फ्लेवर भी चॉकलेटी। और अब जो ये मैं बना रही हूँ ये है, इसमें आपने डाला 1 से 2 टीस्पून, आप जितना अपना फ्लेवर आपको स्ट्रॉन्ग पसंद हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ये देखिए ये एक ठंडा ठार मशरूम हमारा तैयार हो गया थादल की शक्ल में। आप इसको थोड़ी देर भिगो के रख दीजिए 2-3 टेबल स्पून और जग में अच्छे से, और 1-2 घंटे के लिए इसको, और चाहें तो फौरन प्रिपेयर करना चाहें तो आप फौरन प्रिपेयर कर लीजिए इसको। और ये देखिए ठंडा गरम चॉकलेटी इलायची कार्डमम सारे फ्लेवर्स आपके सामने तैयार हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में किसी नए इंग्रेडिएंट को लेके। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, रखेंगे फ्रिज में आराम से। मैं हर वो चीज़ सिखाती हूँ कि जिसके लिए आपको फौरी जो है वो कुछ ना करना पड़े, बनाएं चीज़ें टाइम निकाल के, जब भी आपके पास सैटरडे संडेज ऑफ हो आप ये चीज़ें बनाएं, प्रिपेयर करें और फ्रिज में रख दीजिए, और इसको महीना भर 2-3 महीने 6 महीने आराम से इस्तेमाल कीजिए। बस सिर्फ शर्त ये है कि ये ज़िप्लॉक में हो या एयरटाइट जार में रखा हुआ हो, और इसको जो है आप जब भी प्रिपेयर करें अपना जितनी ज़रूरत है आपने निकाला और बाकी फ्रिज में सेव कर दिया तो इसमें कभी भी हीक नहीं आएगी। बच्चों को पिलाइए और उनसे कमेंट्स लीजिए और पूछिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।